गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था एक वीडियो रिकॉर्ड करूं जो शेयर ट्रेडिंग टेक्निक्स के ऊपर बने हों। दिस इज़ माय ओन ऑब्जर्वेशंस फॉर लास्ट 2-3 इयर्स। फाइनली वो दिन आ गया एंड सोचा तो था कि बहुत ही अच्छे से जैसे दूसरे वीडियोस मिलता है यूट्यूब पे, एकदम बहुत प्रोफेशनल लुकिंग टाइप्स, उस टाइप का कुछ बनाऊँ। But thought then we will do it with time. Let's start with whatever I know, and we can improve it over a period of time. तो friends, सीधा topic पे आ जाते हैं. So I am a professional. So by professional I mean I am not a professional trader. I am a working professional and I work full time in a multinational company. तो मेरे पास डेली ट्रेडिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है। आई कैनॉट ट्रेड फुल टाइम मैं इंटरफेस को देख के ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ। तो व्हाट आई डू इट इज़ के एज अ हॉबी और एज अ पैशन आई स्टडी द स्टॉक मार्केट एंड बेसिस माई ऑब्जर्वेशन जो भी प्रॉफिट मिलता है या जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, लाइक अ ग्रुप विद माय फ्रेंड्स। उसमें मैं मेरे जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो शेयर करता रहता हूँ, जो भी मेरा टेक्निक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। एंड अगर आप देख रहे हो तो अभी तक का लास्ट 7 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस रहा वो ये रहा। सो यू कैन एक्चुअली कॉल इट एज अ नो लॉस स्ट्रैटेजी। सो बाई नो लॉस स्ट्रैटेजी आई मीन कि या डेफिनेटली एक महीने में अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हो, 4-5 दिन लॉस हो सकता है, बाकी दिन प्रॉफिट होगा, बट एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर मेकिंग सम पॉइंट्स एंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ डिसेंट अमाउंट। बिकॉज निफ्टी का अगर एक लॉट में आप ट्रेड करते हो एंड अगर आप ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो 20,000 पे आपको एक लॉट निफ्टी मिल सकता है। So with an investment of around 20,000 a month, this is what you are seeing that you would have achieved in like last 7 months. Okay, and friends, share market is not a not like a day game. It has to be a consistent and a steady game. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक दिन इन्वेस्ट किया, उस दिन लॉस हो गया, अगले दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया तो तीसरे दिन आपने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। You have to be consistent. Okay, and as I also mentioned in my wallpaper over here that passion, patience and perseverance are the keys to success. अगर आप consistent होंगे तो ही आपको profit मिलेगा। आपको रोज़ ट्रेड करना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो। ओके, एंड देन ओनली यू विल गेट द मनी। ओके, सो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, सीधा उस पर आते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसा कुछ पोर्टल की ज़रूरत होगा जहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई यूज़ ज़ेरोधा बिकॉज आई हैव माय अकाउंट क्रिएटेड ओवर हियर। ओके, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वॉट एवर यू हैव। अगर आपके पास आप स्टॉक्स है या किसी दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसको ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है विद ऑल द टेक्निकल चार्ट्स एंड ऑल, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। ठीक है, ये दिखने में एंड स्पेशली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द बिगिनर्स। तो जो लोग भी आप अभी देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, सो इफ़ यू आर गेटिंग इनटू दिस ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म, सो दिस इज़ द ज़ेरोधा काइट ऐप। वहाँ पर से आपको निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स बिकॉज दिस इज़ द करेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ रनिंग, उस पर क्लिक करना है। Once it gets loaded, you have to convert the candle into a 15 minutes candle. Okay, तो यहाँ पर जो time मिलता है ऊपर वहाँ पर 15, 5, 10 बहुत सारे duration का होता है। You have to select 15 minutes. Okay, after selecting 15 minutes, for the time being I am removing everything so that I can show you that how you need to add the indicators. So this is my 15 minutes chart, and there is a day divider. Like for example, if you are seeing here, this one over here, follow the first candle of the day. So over here this is your 6th which is getting over, and from here the 9th of April is what it is starting. तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सुबह 9:15 बजे से शेयर मार्केट चालू होता है फॉर इक्विटीज़ एंड ऑल, 9:15 से 3:30 तक चलता है। तो ये दिन का पहला कैंडल है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा सुविधा हो। सो दिस वन इज़ योर सुबह 9:15 AM का कैंडल। अगला कैंडल जो है 9:15 से 9:30 से 9:45 का अगला कैंडल है। उसके अगला कैंडल 9:45 से 10 बजे का है। तो ऐसे करते करते इफ़ यू सी द लास्ट कैंडल ऑफ द डे इज़ दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम 3:15 to 3:30। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए आपको हर 15-15 मिनट में हर 15-15 मिनट में आपको ये पोर्टल को देखना होगा, तो ही आप ये स्ट्रैटेजी में सक्सेस कर पाओगे। बिकॉज इसमें कुछ एंट्री क्राइटेरिया होता है, कुछ एग्जिट क्राइटेरिया होता है, एंड वो जो क्राइटेरिया होता है वो बनता है विद एवरी 15 मिनट्स कैंडल। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन एक्चुअली ऐड द इंडिकेटर्स। तो इसके लिए मतलब फॉर दिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू नीड टू हैव वन इंडिकेटर विच इज़ कॉल्ड ADX। ओके, ADX डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम क्लिक करेंगे। यू आर सीइंग दिस लाइन ओवर देयर ऑन टॉप, ग्रीन लाइन है, एक वाइट है, एक रेड है। हम लोगों को उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू सी द एक्चुअल ADX लाइन, वी जस्ट नीड टू सी द प्लस एंड माइनस DI लाइन। ठीक है, प्लस DI माइनस DI क्या होता है बेसिकली? वो इंडिकेट करता है ऑन द ट्रेंड। इफ़ इट इज़ प्लस DI मतलब अगर ग्रीन लाइन ऊपर है तो मतलब बाई के लिए सिग्नल है, अगर रेड लाइन ऊपर है तो मतलब शॉर्ट सेलिंग के लिए सिग्नल है। तो अभी के लिए हम लोग ADX लाइन जो है, जो वाइट में दिख रहा था, उसको ब्लैक कर दूँगा ताकि थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा क्लीन दिखे। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लाइन्स की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम रखेंगे, बाकी हम हाइड कर देंगे। सो दिस इज़ वन इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर इज़ ऑसम ऑसिलेटर। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसमें कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। ऑसम इंडिकेटर क्या है? ऑसम इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो मोमेंटम शो करता है। ओके, सो इट इंडिकेट्स द मोमेंटम ऑफ द मार्केट फॉर दैट डे। सो से फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ इन ग्रीन the momentum is towards positive, if it is on red the momentum is towards negative. So by negative I mean के towards selling. Okay, अभी के लिए सिर्फ इतना आप याद रखिए। awesome indicator में अगर आप देखते हो तो you will actually see that कुछ दिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ दिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये वाला सेक्शन में आप देखिए। ओके, कहीं कभी किसी जगह पर ज़ीरो लाइन के नीचे है, कहीं किसी जगह पर ज़ीरो लाइन के ऊपर है। सो देयर आर वेरियस इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस ऑसम इंडिकेटर एज वेल एज ADX, बट फॉर द टाइम बीइंग यू डोंट हैव टू नो सो मेनी थिंग्स फॉर दिस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। ओके, आपको सीखना है, जानना है इन मोर इन डिटेल अबाउट दिस, यू कैन डेफिनेटली ब्राउज थ्रू इंटरनेट, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएगा। ओके, द थर्ड वन इज़ RSI। RSI is again it's a relative strength index. okay, RSI एक ऐसा indicator है जो काफ़ी जगह पर use होता है, and it's a very you can call it as a universal indicator because ये आपको बताएगा कि कोई भी stock बोलिए या commodities बोलिए या currencies बोलिए, is it in a overbought zone or is it in a oversold zone। तो फंडा इतना ही है कि अगर ये कोई ओवरबॉट जोन पे होगा देन वी आर नॉट गोइंग टू बाई, अगर ये ओवरसोल्ड जोन पे होगा वी आर नॉट गोइंग टू सेल। ओके, बिकॉज ओवरबॉट जोन पे अगर आप बाई कर रहे हो उसको तो देयर इज़ अ हाई रिस्क दैट द प्राइस माय टर्न फ्रॉम देयर, वो नीचे की तरफ शायद आ जाएगा एंड देन प्रोबेबली आपको लॉस हो सकता है। तो ये जो तीन इंडिकेटर्स है ADX, ऑसम एंड RSI, ये तीनों मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा हमें दो और आई विल नॉट से इट एज एन ऑल्दो इट्स एन इंडिकेटर बट दोज आर वेरी मच रिलेटेड टू प्राइस एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड पाइवट पॉइंट्स। एक पाइवट पॉइंट्स अपने को ऐड करना है। पाइवट पॉइंट्स क्या होता है बेसिकली? बेसिस द प्रीवियस ट्रेडिंग डे, जो भी मान लीजिए कल का ट्रेडिंग डे था, उसके बेसिस में ये कैलकुलेट करता है कि आज के दिन का पिवोट लाइन कहाँ पर होगा, आज के दिन का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइंस कहाँ पर होगा। ओके, तो व्हाट इज़ द पिवोट लाइन? टिपिकली स्पीकिंग पिवोट लाइन इज़ द पॉइंट जहाँ पर जिसके ऊपर बाई बनता है, जिसके नीचे सेल बनता है. सो द टेंडेंसी फॉर पीपल सेलिंग द आई मीन शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक below pivot line is more, whereas the tendency for people to buy the stock at a given price above the pivot line is more. ठीक है, तो टेक्निकली सिर्फ इतना भी अगर आप समझोगे कि pivot line जो pivot point है उसमें हमको पता चलता है कि मेरा support resistance क्या है. जैसे कि आप लोगों को तो इतना तो बेसिक्स तो पता ही है कि कोई भी स्टॉक एक अप डाउन मूवमेंट पे रहता है. ओके, सो एक जगह से एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं एंड आफ्टर ऊपर जाने के बाद एक स्पेसिफिक प्राइस पे उसको रेजिस्टेंस भी मिलता है. ओके, तो ये होता है पिवोट पॉइंट्स. पिवोट पॉइंट्स को का दो टाइप्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक फिबोनाची होता है. तो फॉर दिस स्ट्रेटेजी or for this technique that I use it on Fibonacci type of pivot points. And जो भी मेरा pivot resistance one, resistance two and support one, support two है उसको मैं black कर दिया because मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है. What I need to see is only the resistance three and the support three. ठीक है, so जैसे आपने देखा कि मैंने इस सेटअप को change किया, ऐसे आप change कर सकते हो ताकि आपका जो background है थोड़ा neat दिखे. जो एक्स्ट्रा डेटा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों का सिर्फ जितना डेटा से मतलब है हमें सिर्फ वो रखना है. ओके, तो वंस आई एम डन विद दिस एंड माय लास्ट इंडिकेटर इज़ माय मूविंग एवरेज इंडिकेटर. सो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ओके, लाइक एक्सपोनेंशियल, ट्रायंगुलर, वेरिएबल, उतना भी देखने की ज़रूरत नहीं. इट्स अ वेरी simple strategy. You just need to have 50 days of simple moving average. इसका line का color को मैं येलो कर देता हूँ. ओके, ताकि black के ऊपर अच्छे से दिखे. So 50 simple moving average हम लेंगे. ओके, तो everything is done. So my setup is made. इसको मैं अगर थोड़ा सा zoom in zoom out करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि जब आप इसको laptop में देखोगे. I am doing it on a handset because बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, क्योंकि हम ऑफिस में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं या फिर बाहर किसी भी दूसरे काम में रहते हैं. तो ड्यूरिंग आवर वर्क, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ऑल्सो हम लोग मोबाइल पे अलार्म लगा के रखेंगे हर 15-15 मिनट में, तो आराम से हम चेक कर सकेंगे कि कहाँ पर हम हैं. ओके, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सेटअप दैट यू विल सी. दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रहा होगा लोगों को, बट विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट. ओके, सो नाउ लेट मी कम टू द स्ट्रैटेजी. ओके, हाउ इट वर्क्स. जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा था, यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी इन द मंथ ऑफ अप्रैल सो फार 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में 2 नॉन ट्रेडिंग डे था, मतलब 6th and 9th वेर द नॉन ट्रेडिंग डेज. वेराज स्टार्टिंग के 4 दिन में हमें ट्रेड मिला था इसमें एंड उस पर 261 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी बना. सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने में दिस इज़ व्हाट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यू वुड हैव मेड बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. ओके, तो इस स्ट्रैटेजी का कोई एज सच नाम तो नहीं है, बट मैं इसको नाम दिया है ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी. ओके, ठीक है जी. तो लेट्स स्टार्ट विद अप्रैल. आपको कैसे इंडिकेटर्स को देखना है और कैसे ट्रेड लेना है. तो ये जो है ये है आपका अप्रैल का फर्स्ट ट्रेडिंग डे विच इज़ योर 2nd of April, जो करेंटली आपके ऊपर यहाँ पर दिख रहा है. ये दिन का पहला कैंडल था जो सुबह 9:15 बजे क्रिएट हुआ. सो इस इंडिकेटर का रूल बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ ये चेक करना है टू बाई. अगर आपको बाई करना है द बेसिक रूल शुड बी, ये जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है, प्राइस अगर इसके ऊपर है तो ही आप बाई करोगे, नीचे अगर है तो आप सेल करोगे. ओके, दैट इज़ रूल 1. रूल 2 इज़ ADX, जहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है ग्रीन, ADX का ऊपर वाला जो लाइन है, टॉप वाला लाइन जो है, अगर ये ग्रीन है तो आप बाई करोगे। अगर नीचे है, मतलब अगर रेड वाला लाइन ऊपर है तो आप सेल करोगे। ओके, थर्ड वन इज ऑसम। ऑसम को आपको क्यों देखना है? बिकॉज ऑसम शोज द मोमेंटम। सी फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग इट, ओके, लाइक मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को किसी दिन आप बाई कर रहे हो, एंड जैसे आप उसको बाई कर रहे हो, बाई करने के टाइम पे ऑसम इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है ग्रीन इन बोथ द प्लेसेस। ओके, सो इट विल मीन के द मोमेंटम इज पॉजिटिव ओवर देयर, सो यू शुड बाई इट। बट ऑसम इंडिकेटर अगर नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, रेड इंडिकेट कर रहा है, सो इट मीन्स कि द मोमेंटम इज मोर टुवर्ड्स सेलिंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ मिस होगा तो फिर समझने में दिक्कत होगी। ओके, एंड उसके बाद आपको आरएसआई जो है वो भी देखना है। एंड आरएसआई इज़ बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना देखना है कि आरएसआई का वैल्यू जो रहेगा दैट शुड बी बिटवीन 35 and 65, बिकॉज टिपिकली लोग 70 के आसपास को ओवरबॉट जोन बोलते हैं। बट आई थिंक निफ्टी में जो मैंने ये स्ट्रेटजी पे जब ये यूज़ किया तो इस पर मुझे लग रहा था कि ये अच्छे से काम किया है ऑन अ 65-35 सेटअप। ठीक है, तो सेटअप अपने ऊपर है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। बट डोंट एक्सपेरिमेंट राइट नाउ बिकॉज I am making this video only for beginners, and as most of my friends with whom I am connected through the WhatsApp group are beginners, hence I don't want them to make any losses, and hence they should follow this rule. It's a profitable rule, and इससे मेरे को अगर फ़ायदा मिला होगा तो शायद आपको भी फ़ायदा मिलेगा। Okay, तो okay, so now let's start. Okay, now let's start on the strategy. तो मान लीजिए ये जो दिन था ये आपका अप्रैल का फर्स्ट डे था। तो अप्रैल का फर्स्ट डे का फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, 9:30 बज जाएगा, तब आपको देखना है कि क्या स्टेटस है। ओके, फर्स्ट कैंडल के बाद हम कॉल नहीं लेंगे बिकॉज मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम लगता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि इन द वेरी फर्स्ट कैंडल इफ़ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड हम लोग तुरंत कूद जाएंगे, वी विल बाई, वी विल सेल एंड देन वी विल मेक लॉस। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, मार्केट को सेटल होने देने का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 15 minutes to half an hour. सो वी शुड नॉट टेक अ ट्रेड ऑन द फर्स्ट 15 minutes. इन अ मोस्ट आइडियल सिचुएशन द फर्स्ट ट्रेड बाय द टाइम यू आर टेकिंग द ट्रेड इट शुड बी अराउंड 9:45. ओके, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि येलो लाइन जो है यहाँ पर दैट इज़ द मूविंग एवरेज लाइन। प्राइस जो है, प्राइस मीन्स द वैल्यू, द कैंडल, वो उसके ऊपर है कि नीचे है। ओके, एडीएक्स ग्रीन है कि नहीं, ग्रीन है कि रेड है, मोमेंटम जो है उसका वैल्यू क्या है एंड वो ग्रीन है कि रेड है, एंड आरएसआई बिटवीन 65 and 35 है या नहीं। तो अभी देखिए जैसे मेरा पहला कैंडल फॉर्म हो गया, पहला कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली ग्रीन कैंडल बना है। बट ये जो कैंडल बना ये आपका 50 EMA का लाइन को टच करते हुए बना। ओके, तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है जब दिन का पहला कैंडल आपको 50 EMA लाइन को टच करते हुए, सॉरी 50 SMA लाइन को टच करते हुए बनता है, तो टेंडेंसी हो सकता है कि अगला कैंडल में शायद प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए, आपको पता नहीं। तो आपको ना उसको ऑब्जर्व करना है। तो एक ग्रीन सेटअप बनने के बाद ऑल ग्रीन सेटअप, सो मतलब पहला कैंडल जो है ऊपर दिख रहा है ये ग्रीन है, ADX भी ग्रीन है, ऑसम इंडिकेटर भी ग्रीन बता रहा है। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि अभी के लिए आप सिर्फ ऑसम इंडिकेटर के कलर को देखो। ओके, ऊपर है या नीचे है, कहाँ पर है, वो सब मत देखो, आपको सिर्फ कलर देखना है और आपको इसका ऑसम इंडिकेटर का वैल्यू भी देखना है। ठीक है, जैसे कि पहला वाला जो कैंडल बना है उसके लिए जो ऑसम इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है इसका वैल्यू है -10.33। ओके, तो हम लोगों को वैल्यू देखना है, वैल्यू जहाँ पर 10 के ऊपर होगा हमें वो चेक करना है, वहीं पे हम लोग उसको उस पर ट्रेड लेंगे वरना नहीं लेंगे। ग्रेजुअली मैं जैसे आपको ये अप्रैल के जो 4 दिन का एग्जाम्पल बताऊंगा उस पर आपको दिख जाएगा। तो पहला वाला कैंडल ग्रीन बना, येलो लाइन को टच करते हुए बना, ADX है, ऑसम है, RSI 35-65 के बीच में है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगला कैंडल फॉर्म हुआ जहाँ पर रेड बन गया, ऊपर रेड नीचे ग्रीन, नीचे मीन्स ऑसम में ग्रीन दिखा रहा है, प्राइस एक्शन में रेड दिखा रहा है, तो आई विल स्टिल होल्ड। मुझे कब बाई करना है, जब तक मुझे एक और ऐसा ग्रीन ग्रीन सेटअप नहीं मिल रहा है। सो बाई ग्रीन ग्रीन सेटअप आई मीन ऊपर का कैंडल का कलर भी ग्रीन होगा, नीचे का ऑसम इंडिकेटर भी ग्रीन होगा, ADX भी ग्रीन होगा, RSI का जो वैल्यू है वो 35 से 65 के बीच होगा एंड ADX का वैल्यू 10 से ऊपर होगा। ओके, ये सेटअप अगर बनता है तो ही मैं बाई करूँगा अगला कैंडल के शुरू होते ही। तो जैसे आप देख रहे हो 10:15 बजे का कैंडल है जहाँ पर ऊपर का कैंडल ग्रीन, ADX ग्रीन, ऑसम इंडिकेटर इज़ ऑल्सो ग्रीन विद अ वैल्यू ऑफ लाइक 13.66 अप्रॉक्सीमेटली विच इज़ मोर देन 10। RSI is between 35 to 65 which is clearly visible over here towards the bottom. So अगला कैंडल जैसे स्टार्ट होता है, तो अगला कैंडल जैसे ही स्टार्ट होगा, so यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है approximately at a price of maybe 10,186, मैं इसको बाई करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, माई स्टॉप लॉस विल बी जो पहला कैंडल था मेरा उस पहला कैंडल का 5 पॉइंट्स नीचे, that is going to be my stop loss. target क्या रहेगा, target will be the 3rd pivot line. जो pivot point का जो हम लोगों ने line draw किया उस पर जो हम लोगों का जो topmost pivot line है that is going to be our target for the day. okay, sorry ये अलार्म बजा, इसके लिए थोड़ा setup हिल गया, मैं इसको थोड़ा सा rectify कर देता हूँ। that's why friends although I'm showing it in mobile but अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर सकते हो, बिकॉज फॉर डूइंग एनी एनालिसिस और डूइंग एनी ट्रेड लैपटॉप इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यू नो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर यू से। ओके, सो आई एम बैक। तो जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके तुरंत बाद मैं ट्रेड लूँगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ले लो कि मेरा एंट्री प्राइस था वॉज 10,186, मेरा स्टॉप लॉस था इसका पहला कैंडल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होएगा उसके नीचे। सो लेट मी ऐड द वैल्यू सो दैट इट्स क्वाइट क्लियर ओवर हियर ओनली। ओके, तो ये मेरा पहला कैंडल था, पहला कैंडल का लो था 10,182.05, हाई था 10,217.85। मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 10,182 माइनस 5, ठीक है, उसके ऊपर मैं मेरा स्टॉप लॉस डालूंगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा, टारगेट मेरा पिवोट पॉइंट का टॉप मोस्ट लेवल रहेगा या फिर 3:15 बजे तक हमें वेट करना है। ओके, तो जब तक ये कैंडल फॉर्म हुआ ग्रीन ग्रीन, इस पॉइंट के बाद जहाँ से हम लोगों ने एंट्री लिया, मान लीजिए हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली अगला वाला कैंडल जो फॉर्म हुआ तुरंत वहाँ पर हमने एंट्री लिया विच इज़ एट अराउंड 10:30 AM, उसका ओपनिंग प्राइस था 10,186.40, तो आप तुरंत एकदम उसी प्राइस पे तो शायद एंट्री ले नहीं पाओगे बिकॉज बाय द टाइम यू आर टेकिंग एन एंट्री इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, बट आप जब इस पे एंट्री लोगे एंड बाय द टाइम इट विल गो अप, यू कैन सी कि कहाँ पर जा रहा है प्राइस। 3:15 बजे का कैंडल यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ व्हिच वाज एट अराउंड 10,263। तो इस दिन में आपको टोटल प्रॉफिट जो मिला वो है लगभग 76 पॉइंट का। okay, this is the real trading done and this is that the real profit made is shown over here. तो 76 पॉइंट मतलब वो कम नहीं होता है because 76 means 76 multiplied by 75 because निफ्टी का एक लॉट में 75 होता है and you know like एक लॉट में 75 होता है, तो it means 76 multiplied by 75 is the profit. okay, तो अभी फ्रेंड्स जैसे ये दिन था, पहला वाला दिन था, पहला दिन वॉज अ वेरी ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अ डे। सो कुछ दिन ट्रेंडिंग होता है जहाँ पर आपका जो प्राइस है एकदम सुबह शुरू होता है, स्टार्ट होने के बाद एकदम ऊपर तक चले जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी ऑल द डेज आर ट्रेंडिंग। कुछ डेज रेंज बाउंड होता है, कुछ दिनों में आपको ढंग से पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहा है, दिशा क्या है मार्केट का, तो ऐसे सिचुएशंस होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन के दिनों में आप कहाँ एग्ज़िट करेंगे, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आप एंट्री तो ले लोगे This is the strategy that I showed you. This is the green candle, awesome, and moving average. ये देख के आप एंट्री तो ले लोगे, बट एग्जिट आप कहाँ करोगे? There has to be a safe point for exit also, and in a most ideal situation entry should be early, exit should be late. अगर ऐसा होता है तो ही आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सकता है. अभी एंट्री लेट एग्जिट लेट मतलब क्या होता है? एग्जिट लेट मतलब होता है जो भी मान लीजिए 3:30 बजे, 3:15 बजे, 3:20 को जो भी आपका प्लेटफॉर्म जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से जो भी लास्ट आर है आप वहाँ पर जाके उसको रिलीज़ कर सकते हो. या फिर एक और टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप एग्ज़िट कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे आप एग्ज़िट करोगे मैं वो बता रहा हूँ आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला दिन, एक दिन का एग्ज़ाम्पल जो हमने देखा उसी को देखते हैं. उस पर इसी दिन पे 2 तारीख को हम लोगों ने एंट्री कहाँ लिया था? इस कैंडल के बाद हमने एंट्री लिया. ठीक है, बट जैसे हम लोगों ने एंट्री लिया अगला वाला कैंडल पे, जब तक वो कैंडल ख़त्म हुआ वो एक रेड कैंडल बन के ख़त्म हुआ. ऊपर भी रेड, नीचे ऑसम पे भी रेड. उसके अगला वाला कैंडल देखिए, ये भी आपका रेड बना. ओके, तो हमें ऐसे करके काउंट करना है कि कितने ऐसे हमारा एंट्री लेने के बाद कितना ऐसा कैंडल्स बन रहा है जिसमें ऊपर भी, अगर मैंने बाई किया, ऊपर भी रेड बन रहा है, नीचे ऑसम में भी रेड बन रहा है. सिर्फ इतना देखना है. अगर 5 ऐसा कैंडल बन जाता है, ऊपर रेड नीचे रेड, given that we have made a buy on that on this nifty one lots, तो हमें एग्जिट करना होगा. ओके तो इस दिन क्या हुआ था? एक पहला कैंडल जैसे ही हमने ट्रेड लिया रेड रेड बना, अगला कैंडल फिर से रेड रेड बना, तो 2 हो गया. उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहाँ पर रेड बना. देखिए जैसे ये वाला कैंडल है 11:15 का, ओके 11:15 का कैंडल, ऊपर तो रेड बना लेकिन नीचे ग्रीन है. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ कंडीशन. इट हैज़ टू बी रेड ऑन टॉप एज वेल एज ऑन बॉटम. ठीक है, तो फिर से 2 पहले ही बन चुका था. ये तीसरा सिचुएशन आया जहाँ पर ऊपर रेड नीचे रेड बना. फिर उसके बाद कहाँ पर है, इधर ये वाला नहीं बना बिकॉज ऊपर रेड है नीचे ग्रीन है. अगला वाला जो है अगेन ऊपर रेड नीचे रेड है. तो अभी तक पूरा दिन में हमें ऐसा 4 सेटअप मिला. एग्जिट का क्राइटेरिया नहीं बना. ओके, सो एग्जिट क्राइटेरिया के लिए देयर आर 2 कंडीशंस. या तो ऐसे पूरा दिन में 5 रेड रेड बनना चाहिए, या फिर लगातार 3 ऑपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बनना चाहिए, तो ही हम एग्जिट लेंगे, वरना हम एग्जिट नहीं लेंगे. ठीक है, अभी अगले दिन पे आते हैं. अगले दिन क्या हुआ था? अगले दिन का पहला कैंडल ग्रीन बना, नीचे ऑसम इंडिकेटर रेड बना, तो ऊपर ग्रीन नीचे रेड. हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे. और ये येलो लाइन के ऊपर प्राइस एक्शन चल रहा है, मतलब हम शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करेंगे. हमें बाई करना है. हमें तब तक वेट करना है जब तक एक ग्रीन सेटअप नहीं मिल रहा है. ऑल ग्रीन सेटअप मीन्स ऊपर, जैसे मैंने ऑलरेडी रिपीट किया बहुत बार, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर भी ग्रीन बनेगा, नीचे भी ऑसम में ग्रीन बनेगा, ADX पे भी ग्रीन बनेगा, एंड RSI का वैल्यू 35 से 65 के बीच रहेगा. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सुबह 12:30 बजे का, 12:30 बजे तक आपको वेट करना है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू गाइस के यू हैव टू हैव पेशेंस इन दिस स्ट्रैटेजी. यू हैव टू कीप वॉचिंग योर मोबाइल और द लैपटॉप इन एवरी 15 मिनट्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट आइडियल सेटअप फॉर एंट्री. बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, रेंज ब्रेक का स्ट्रैटेजी लोग फॉलो करते हैं मोस्टली. लोगों ने देखा होगा कि पहला कैंडल का रेंज ब्रेक हो गया, इधर लोगों ने शॉर्ट सेल कर दिया होगा एंड लोगों को लॉस हो गया होगा. ओके, सो देयर आर वेरियस स्ट्रैटेजी पीपल फॉलो. आई एम नॉट सेइंग समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ राइट. एवरीथिंग इज़ रॉन्ग और एवरीथिंग इज़ राइट. ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है इस पर भी कुछ फ्लॉज हो सकता है. यू माइट हैव वेरियस डिबेट ऑन दिस कि ये सही है वो गलत है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी बेसिस प्योरली माई ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स. ओके, सो 3 तारीख के दिन में क्या हुआ था? 3 तारीख के दिन में जैसे मार्केट इधर से चालू हुआ, यहाँ पर ये कैंडल फॉर्मेशन हो गया जिसमें हमें इंडिकेशन मिल गया कि इट्स अ प्रॉपर कैंडल विद ग्रीन येलो लाइन के ऊपर. ADX इज़ ग्रीन, ऑसम इज़ ग्रीन, RSI इज़ बिटवीन 35 एंड 75. सो इट्स अ परफेक्ट बाई सिग्नल तुरंत अगला कैंडल फॉर्म होते ही अगला कैंडल का शुरुआत यहाँ पर हुआ था. इट वाज अराउंड प्राइस ऑफ मे बी 10,245. हम यहाँ बाई करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे. अगर लगातार तीन रेड कैंडल ऊपर नीचे फॉर्म हो रहा है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, या फिर अगर लगातार तीन कैंडल नहीं फॉर्म हो रहा है तो पाँच अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग द होल डे जहाँ पर आपका ऑपोजिट हो रहा है रेड तो हम एग्जिट करेंगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. एक रेड फॉर्मेशन बना यहाँ पर 1:30 बजे का कैंडल, 1:30 का कैंडल. देन उसके बाद एक और फॉर्मेशन बना यहाँ पर आपका 2:15 का कैंडल. बस दो ही सिग्नल मिला था जहाँ पर आपको ब्रेक एग्जिट करना है, बट इट वाज नॉट अ कंटिन्यूअस टू रेड, हेंस वी विल नॉट एग्जिट. एंड 5 लगातार भी नहीं मिला ट्रेड लेने के बाद, हेंस वी विल नॉट एग्जिट. वी विल होल्ड टिल 3:15. 3:15 का प्राइस में आप एग्जिट करोगे. 10,287 पे आपने एग्जिट किया. सो यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 38 पॉइंट्स. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड डे. मतलब ऐसे करके आपको देखना है. अभी वीडियो का लेंथ भी काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, सो आई विल बी लिटिल क्विक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ड्रिफ्ट कि कैसे करना है एंड क्या करना है. सो वी जस्ट सॉ 3rd अप्रैल. नाउ वी विल सी 4th अप्रैल. अभी 4th अप्रैल का देखिए क्या सिचुएशन बना था. रूल इज सेम अगेन. येलो लाइन के ऊपर बाई, नीचे सेल. पहला कैंडल आपका रेड बना, उसका अगला कैंडल आपका ग्रीन बना. ऊपर भी ग्रीन है, इधर भी ऑसम में भी ग्रीन है, लेकिन अगर आप नीचे RSI का वैल्यू देखते हो तो 65 के ऊपर है. अगर RSI बाई साइड पे 65 के ऊपर होता है देन यू शुड नॉट बाई. अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो एंड शॉर्ट सेल के टाइम RSI का वैल्यू at the time of entry, if the value of that is less than 35, you will not short sell. Those are the thumb rules. You cannot break the rule. You have to abide to the rule. Only if you abide to the rule and you be consistent and you do a proper money management, only then you will get success in stock market. Otherwise, understand this nicely, friends. Only 10% people in stock market make money. Rest all lose out their money. आप कहीं भी देखोगे, इंटरनेट पे देखो या फिर किसी भी वीडियो पे देखो, हमेशा हर लोग आपको यही कहेगा कि 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं, सिर्फ 10% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं. एंड उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर कॉन्सिस्टेंट एंड दे फॉलो स्ट्रैटेजी. चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, उसको रेगुलरली फॉलो करो. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वाज डन ऑन दिस डे. सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो का लेंथ तो थोड़ा ज़्यादा ही होते जा रहा है, बट आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर एंड इसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बोल रहा हूँ. मेरे अगले जो वीडियोस होंगे वो इतना लेंदी नहीं होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो दैट हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्कड ऑन रियल टाइम इन द कमिंग वीक्स. तो हफ्ते पर हफ्ते मैं एक वीडियो डालता रहूँगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. तो ये रेड कैंडल बन गया, ऊपर रेड नीचे ग्रीन बना. सो दिस इज़ नॉट अ सिग्नल फॉर एंट्री. मैं चेक कर रहा हूँ ग्रीन कहाँ पर बना. हमें एक यहाँ पर ग्रीन बना, बट अगेन सी नीचे देखिए RSI को. RSI 65 के ऊपर है, शायद क्लियरली दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ या अभी देखिए, अभी क्लियरली दिख जाएगा आपको. ठीक है, यहाँ पर ग्रीन बना लेकिन RSI 65 के ऊपर है. ये जो एक शेडिंग ग्रीन आपको दिख रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे. हम वेट करेंगे या तो रेड बनने का. अगर रेड बनता है तो येलो लाइन के नीचे रेड बनना चाहिए. ग्रीन बनता है तो फिर ऐसा सिचुएशन पे बनना चाहिए जहाँ पर हर जगह हो. ये वाला एक सिचुएशन है. 11:30 बजे का कैंडल, ऊपर ग्रीन, ऑसम में रेड. यहाँ RDX ठीक ठाक है लेकिन ऑसम रेड है, तो वी विल नॉट एंट्री. तो ऐसे करते करते आपको वेट करना है, वॉच करना है. एंड फाइनली यू गॉट वन कैंडल. अगला वाला, ये कैंडल पे क्या हो रहा है, ये कैंडल पे रेड हो रहा है. येलो लाइन के नीचे आके ये कैंडल क्लोज हो रहा है. ADX इज़ रेड, RSI इज़ मोर देन 35, लेस देन 65. ओके, एंड इसी स्पेसिफिक कैंडल पे अगर आप ADX का वैल्यू देखोगे तो सॉरी ये फ़ोन पे थोड़ा सा मुश्किल होता है. हाँ, अगर आप वैल्यू देखोगे तो इट इज़ it is more than 10. It's around 11.29. So this is the perfect setup for short selling. Okay, तो आप क्या करोगे, तुरंत अगला कैंडल फॉर्मेशन होते ही इसको शॉर्ट सेल करोगे एंड उसको होल्ड करोगे टिल 315 एंड डेफिनेटली द एग्जिट क्राइटेरिया जो मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कि 3 अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो भी छोड़ सकते हो या फिर 5 ऐसा सिचुएशन बनेगा तो छोड़ सकते हो एंड सी व्हाट यू फाउंड। जैसे ही अगला कैंडल फॉर्म हुआ आपने यहाँ पर एंट्री लिया था एट 247 10 247 शॉर्ट सेल किया एंड दिन के एंड में ये ख़त्म हुआ यहाँ आके एट 10 152। तो आपको आराम से ये इसमें भी इस दिन भी कुछ 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। ओके नाउ 1 2 3 दिन तो मैंने बता दिया। लास्ट 2 दिन में जैसे 5 6 तारीख और 9 तारीख में नो ट्रेडिंग था। क्यों नो ट्रेडिंग था ये भी मैं बता देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसा क्या सिचुएशन बनेगा जिस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओके तो देखिए क्या हुआ था 6 तारीख को। 1 मिनट या सॉरी नाउ ये है 6 तारीख। 6 तारीख का येलो लाइन के ऊपर मेरा प्राइस एक्शन है। अगर आप देख रहे हो क्लियरली ये प्राइस एक्शन इस लाइन के ऊपर है। पहला कैंडल रेड है, फॉर्मेशन का सिग्नल नहीं है, हमें वेट करना है कि ग्रीन सेटअप का। बहुत देर तक कुछ भी सिचुएशन नहीं बन रहा था। फाइनली एक सिचुएशन बना जहाँ पर एक ग्रीन बना। ओके नाउ एक और चीज़ आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि देखिए जो ADX है, ADX क्या होता है, मोमेंटम शो करता है। दिन के शुरू से लेके 12:15 तक मतलब मार्केट का पहला 3 घंटे तक मोमेंटम जो है कुछ दिशा नहीं दे रहा है। इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। अगर आप देखोगे ऊपर भी कैंडल्स का अप डाउन चल रहा है। इट्स अ रेंज बाउंड एंड ओवरऑल मोमेंटम अगर आप देखते हो तो ओवरऑल मोमेंटम भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है इट्स अ रेड ऑल रेड काइंड ऑफ अ मोमेंटम। तो वैसे में सडनली एक ग्रीन अगर आपको मिलता है तो आप केवल सिर्फ वो एक ग्रीन देख के एंट्री नहीं लोगे, आपको एक और ग्रीन फॉर्मेशन का इंतज़ार करना है। ओके कंसिस्टेंटली अगर लगातार 2 ग्रीन बनता है, 2 ग्रीन मतलब ऊपर भी ग्रीन प्राइस एक्शन में एंड नीचे ऑसम इंडिकेटर में भी ग्रीन, बाकी सब जगह तो है ही हम लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। ADX भी ग्रीन है, RSI भी 35 से 65 के बीच में है तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगला कैंडल देखिए क्या बना। अगला कैंडल ऊपर रेड बन गया, नीचे ग्रीन है। ठीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे ऐसा एक और सिचुएशन बनने का जब ऊपर नीचे दोनों जगह ग्रीन बना। लेकिन आप देखोगे पूरा दिन में कहीं पर नहीं बना, जाके बना लाइक दिन के एंड में विच इज़ लाइक अराउंड 245। ओके अभी पूरा दिन में अगर आप एंट्री नहीं लिए हो एडवाइजेबल ये है कि 2:30 बजे के बाद आप ट्रेड मत करो। लास्ट 1 आवर में ट्रेडिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज क्या होता है ना उस टाइम पे मार्केट वैसे भी बहुत वोलेटाइल बन जाता है। ठीक है या तो ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग जाता है या फिर किसी ने सुबह ख़रीद के रखा है तो बेचता है। वो सब देख के ट्रेड लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। सो एज़ पर दिस स्ट्रैटेजी अगर आप दिन के शुरुआत में अगर आपको जब भी मतलब 2:30 बजे से पहले 2 बजे भी अगर आपको एंट्री मिलता है तो आप ले सकते हो। लेकिन उसके बाद आफ्टर 2:30 अगर आपको ट्रेड का सिग्नल मिलता है तो आप मत लो, इट्स नॉट एडवाइजेबल। ओके नाउ कमिंग टू येस्टरडे, आज का दिन शुरू हो गया। वैसे आज का दिन का पहला कैंडल इज़ फॉर्म्ड। सो कल क्या हुआ था, कल भी पहला कैंडल ग्रीन बना था। एवरीवेयर इट इज़ ग्रीन बट ADX is also green but RSI was not green। जैसे देखिए पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का जो RSI का वैल्यू है जिस टाइम पे बना था इट वाज मोर देन 65। सो अगर ये 65 के ऊपर है तो हम क्या करेंगे, हम बाई नहीं करेंगे। तो हमें वेट करना है टिल द टाइम व्हेन RSI falls below 75 and green is formed because येलो लाइन के ऊपर है। सो अगर येलो लाइन के ऊपर है हम तो सिर्फ बाई ही कर सकते हैं, वी कैन नॉट सेल। तो वेट करो पूरा दिन में कोई सिचुएशन नहीं बना। एक सिचुएशन बना था दोपहर को 2 बजे। ओके दोपहर को 2 बजे एक सिचुएशन बना जहाँ पर ऊपर भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, ADX भी ग्रीन है। ADX का वैल्यू देखो कितना है, ADX का वैल्यू भी सही है। ठीक है लेकिन ये जो फॉर्मेशन बना ये ऑलरेडी आपका पिवोट लाइन 3 जो है, ये देखिए ऊपर वाला जो लाइन है जिसके लिए मैंने बोला था कि ये हमने ऐड किया था, ये लाइन को टच करते हुए हुआ है। ठीक है, दिन के शुरुआत में मतलब जैसे मैंने बोला कि लास्ट एक घंटे में आप ट्रेड मत लो, वैसे आप लास्ट एक घंटे में मतलब दिन के एंड में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर आपको ट्रेड मिलता है एंड वो अगर ट्रेड बनता भी है एट अ रेजिस्टेंस 3 और अ सपोर्ट 3 लेवल, तभी भी आपको नहीं लेना चाहिए। रीज़न क्या है? बिकॉज देखिए ये जो लेवल है दिस इज़ द लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस जाने के बाद रिवर्स होने के चांसेस होता है, वहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के बाद घूम जाएगा और अभी उस प्राइस के ऊपर जाके आप अगर दिन के एंड में लगभग 2:15 बजे ओके आप अगर एंट्री लेते हो तो इट्स लाइक सुसाइड बिकॉज यू डोंट नो दैट वेयर इट्स गोइंग टू गो। ठीक है, हमें जुआ नहीं खेलना है, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू बेट ओवर हियर। हमें सिर्फ टेक्निकली सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करके ही करना है। लोगों को शेयर मार्केट बहुत इजी लगता है, बट या डेफिनेटली इट्स इजी, इट कम्स इजीली नेचुरली विथ टाइम, बट ये उतना भी इजी नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने ये बोल दिया कि ग्रीन फॉर्मेशन बन जाएगा तो आपको एंट्री करना है, सो इट डजेंट मीन के चाहे ये 2:15 बजे भी बन रहा है तो आप एंट्री करोगे। ओके, थोड़ा सा सोच बूझ के सोच समझ के करना है, तो ये ग्रेजुअली आ जाएगा। शुरू में मैंने भी ऐसे मिस्टेक्स किए थे एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप। अगर आप इस ग्रुप को देखोगे तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सजेशंस देता रहता हूँ कि भाई देखो अभी ये बन रहा है, इस टाइम पे एंट्री करना चाहिए, इस टाइम पे नहीं एंट्री करना चाहिए, इस टाइप के बहुत सारे इंडिकेटर्स मैं बताता रहता हूँ। या फिर कोई दूसरा टाइप का फॉर्मेशन अगर बन रहा है पहले से ही मैं बोल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ट्रायंगल फॉर्मेशन उस दिन बना था, मैं बोल रहा था देखो भाई ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ये ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो इस टाइप का थोड़ा बहुत जब मेरे को टाइम मिलता है, बिकॉज मेरा भी ऑफिस का काम रहता है तो फुल टाइम मैं तो ये ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, बीच बीच में मैं देखता हूँ एंड बीच बीच में जैसे जैसे मेरे को सिचुएशन फॉर्म होते हुए दिखता है मैं अपडेट करता रहता हूँ। एंड इन दिस ग्रुप देयर आर फ्यू अदर पैशनेट पीपल ऑल्सो, जो लोग बहुत ही पैशनेट है, दे आर फुल टाइम ट्रेडर्स एंड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सेम जो स्ट्रैटेजी मेरा सिखा हुआ स्ट्रैटेजी है उसी को अप्लाई करते हैं एंड ग्रुप्स में अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स एक एडवांटेज ये है, आप सब लोग मेरे को मेल कीजिए या फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप मेरे को हाई बोलिए, मैं आपको इस ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। एडवांटेज ये है कि लेवल्स जो भी होगा एज़ पर दिस स्ट्रैटेजी ये आपको वहीं से मिल जाएगा। इवन इफ़ यू आर अ बिजी पर्सन, इफ़ यू आर इन टू ऑफिस एंड यू डोंट हैव टाइम टू सी इट एवरी 15 मिनट्स, प्रोबेबली आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ दैट एज अ सिग्नल। ओके, बट अप्लाई योर माइंड, डोंट इन्वेस्ट योर मनी। ये सब देख के बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा, बिकॉज यू नो लाइक एट द बिगिनिंग इट्सेल्फ आई शोड यू दैट देखो इतना प्रॉफिट तो बना है, ये देख के बहुत टेम्पटिंग लगेगा, लोगों को लगेगा कि भाई चलो पैसा डाल देते हैं। ओके, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज इफ़ यू कीप पेशेंस देन यार सही रहता है, उसमें आपको ना अच्छे से सीख मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो भी देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको पता चलेगा क्या करना है। ओके, सो दैट्स वाई यू नो लाइक कल से मैंने इस ग्रुप को थोड़ा एक्टिवली शुरू किया एंड उसमें मैंने जो बेसिक रूल्स होते हैं स्टॉक मार्केट्स का वो भी कॉल आउट किया, दैट यू शुड नॉट बी ग्रीडी एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लॉसेस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस जैसे हिट हो जाता है एकदम सिचुएशन ख़राब हो जाता है, लोग एकदम रोने लग जाता है, ऐसा नहीं। एंड फॉर दैट रीज़न मनी मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। ओके, निफ्टी का एक लॉट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो यू हैव टू कीप एटलीस्ट 20,000 to 25,000, बिकॉज मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस जो बनेगा, स्टॉप लॉस आपका लगभग अगर मैक्सिमम लॉस होगा किसी दिन तो मैक्स टू मैक्स 2,000 से 2,500 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए लगातार 2 या 3 दिन आपका ऐसा लॉस हो गया, बिकॉज यू डोंट नो योर ट्रेड कैन गो रॉन्ग एनी डे, बिकॉज महीने का 20 दिन में हो सकता है कि 4-5 दिन मेरा लॉस है, बाकी दिन मेरा प्रॉफिट है ना। तो अगर ऐसा होता है लगातार 3 दिन लॉस हो गया तो 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार का लॉस हो गया, बट 4th डे पे आप प्रॉफिट बनेगा एंड ओवर द टाइम पूरा महीना अगर आप देखते हो तो आपको प्रॉफिट बनेगा। इट्स अ लॉसलेस स्ट्रैटेजी, डजेंट मीन के एनी डे यू गो एंड ट्रेड एंड इट विल बी अ लॉसलेस। ठीक है, so once again before ending this video let me show you these are the magical numbers that we have achieved over last 7 months, and guys if you also want to be associated with us and earn some decent amount with less time and less investment, do contact me. My details are provided in the description below. An elaborate description of the strategy is also given in the description below, and my WhatsApp number is also provided below. आपको जिसी को भी एसोसिएटेड होना है हम लोगों के साथ टू लर्न टुगेदर एंड अर्न टुगेदर, प्लीज़ जॉइन अस। ओके, यही कह के मैं मेरा वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल, विश यू गुड लक। आई विल बी पोस्टिंग माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक्स, बाय।